भगवान राम की नगरी अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्म भूमि रही है। यह पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था। यह राम भूमि है। इस राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर भी बना था, जिसे बाबर ने अपने शासनकाल में तोड़वा दिया था। राम जन्मभूमि मंदिर एक हिंदू मंदिर है, जो भारत के उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम जन्मभूमि के पवित्र तीर्थ स्थल पर पुनः नए रूप से बनवाया जा रहा है, जिसका लागत लगभग 1800 करोड़ रुपया का है। इस मंदिर को कंस्ट्रक्शन ड्राइंग गुजरात के सोमपुरा परिवार ने किया है। राम मंदिर बनवाने का कॉन्ट्रैक्ट L&T को दिया गया है। L&T ने कहा कि इस मंदिर बनवाने में जितना भी खर्च लगेगा मैं सब पे कर दूंगा, क्योंकि L&T को लगा कि श्री राम का कार्य करके कुछ पुण्य कमाया जाए। लेकिन राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने इसे मना करते हुए कहा कि बहुत सारा भक्तों ने राम मंदिर बनवाने के लिए दान दिया है और उनका पैसा अगर श्री राम के कार्य में नहीं लगा तो वह नाराज हो जाएंगे। इस राम मंदिर फंड में अभी भी 5400 करोड़ रुपया है। पैसा का कोई कमी नहीं है। मंदिर का जितना लागत है उसका 2 गुना ज़्यादा पैसा फंड में बचेगा। इसलिए राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने कहा कि आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, हमारे पास पैसा। राम मंदिर बनवाने का समय 2 वर्ष 10 माह 2 सप्ताह रखा गया है। अब देखते हैं कि इतने समय में राम मंदिर बन के तैयार हो पाता है कि नहीं, ये तो कंस्ट्रक्शन वर्क पे ही डिपेंड करेगा। राम मंदिर कंस्ट्रक्शन वर्क युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। मंदिर अब आकार लेने लगा है। दिनों दिन ऊंचाई पर आ रहे राम मंदिर निर्माण की एक और ताज़ा तस्वीर को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जारी की है। राम मंदिर निर्माण में अब स्तंभ लगने का काम शुरू हो गया है। राम मंदिर के प्रथम तल में 166 स्तंभ लगाए जाएंगे। यह 20-20 फीट के होंगे। रामलला का मंदिर 3 फ्लोर का होगा, जो पहला 2023 में बनकर तैयार रहेगा, दूसरा 2024 में और तीसरा 2025 में संपूर्ण कार्य संपन्न हो जाएगा। लेकिन ट्रस्ट ने ऐसा बोला है कि 2024 में श्री रामलला का भक्त उनका दर्शन कर पाएंगे। भगवान रामलला के मंदिर में बंसी पहाड़पुर के पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है और पत्थरों के डिजाइन के बीच आने वाली गैप में चंडीगढ़ से वैज्ञानिक पद्धति से निर्मित 3 होल वाले ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है, जिस ईंटे पर श्री राम का नाम लिखा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए कुछ नए अपडेट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।